12वीं के इकोनॉमिक पेपर लीक केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच के दायरे को बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश के ऊना से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। खबरों की माने तो अर्थशास्त्र के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए इन लोगों में एक टीचर, क्लर्क और स्कूल स्टाफ है। टीचर का नाम राकेश, क्लर्क का नाम अमित और तीसरे आरोपी का नाम अशोक है। स्कूल में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। गिरफ्तार हुए इन 3 लोगों पर आरोप है कि इनके हाथों से ही पेपर लीक हुआ। यहां तक कि इकोनॉमिक्स का पेपर 2 दिन पहले लीक कर दिया गया था। हालांकि अभी तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा आपका नाम सेंट्रल सुप्रीम के लिए आया हुआ है, तो मैंने कहा मैंने आगे अपने पीजीटी कॉमर्स को उसके लिए नॉमिनेट कर दिया था। उन्होंने फिर सारे वो ईमेल जो सीबीएसई को मैंने लिखी और उन्होंने मुझसे मंगवाई थी, जो मैंने उनको दे दिया। उन्होंने मेरे एक 2 एम्प्लॉइज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, डॉक्यूमेंट मांगे थे, वो मैंने उनको दे दिया। किन-किन एम्प्लॉइज के बारे में डिटेल बताओ। उन्होंने एक मिस्टर राकेश शर्मा पीजीटी कॉमर्स और मिस्टर अमित शर्मा जो हमारे ऑफिस क्लर्क हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी। लेकिन पुलिस की माने तो 3 से पूछताछ के दौरान कई सारी खास जानकारी सामने आ सकती है जो जांच को उसके अंजाम तक पहुंचाने में सहायक साबित होगी। गौरतलब है कि बीते शनिवार को भी दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया, जिसके तहत दिल्ली के एक निजी स्कूल के शिक्षकों ऋषभ और रोहित और तौकीर नाम के कोचिंग सेंटर चलाने वाले आरोपी को बवाना में पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक पेपर के फोटो के साथ ही उसकी हाथ से लिखी हुई कॉपी भी सर्कुलेट हो रही थी। आपको बता दें कि बीती 26 मार्च को 12वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होने की वजह से सीबीएसई ने परीक्षा रद्द कर दी थी। वहीं अब सीबीएसई ने पेपर लीक मामले में इकोनॉमिक्स के पेपर की नई तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसका एग्जाम 25 अप्रैल को होना है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, ऊना, हिमाचल प्रदेश। बंद करो।